कि फुटपाथ पे खड़ा होकर रेस्टोरेंट का टेस्ट देंगे। चिकन दो पराठा, एक चिकन दो पराठा 70 रुपये का। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और जैसा कि पता है आप लोगों को, मैं हूँ रांची में। रांची में कभी आया हूँ फिराईलाल चौक के पास। ये एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, कह सकते हैं कि सेंट्रल ऑफ रांची है। और यहाँ पे बहुत सारा कार्ट आपको दिखेगा, मेरे पीछे बहुत सारा कार्ट है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड मिलते हैं, स्ट्रीट फूड मिलते हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर जगह यहाँ का, सबसे जो मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं नॉनवेज प्रेमी हूँ, तो जो मुझे अट्रैक्ट किया वो जगह कौन सी है, वो जगह है बॉम्बे चिकन पराठा वाला। अब ये क्यों खास है, क्या मिलता है यहाँ पे, एक बार चलेंगे यहाँ के जो ऑनर उनसे बात करेंगे, दिखाएंगे क्या चीज़ें कैसे मिलती है, क्या क्या मिलता है, ऑर्डर करेंगे, खाएंगे और एक जेन्युइन फीडबैक देंगे आपको। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ आइएगा आपको आगे में दिखेगा बड़ा बड़ा तवा, और तवे पे बन रहा है क्या, चिकन। और इसके बगल में ही अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये लाचा पराठा रेडी हो रहा है, और ठीक इसके अंदर में है बैठने का अरेंजमेंट। ये बैठने का अरेंजमेंट आपको यहाँ मिलेगा, और ठीक इसके सामने काउंटर लगा है। तो गाइस, यहाँ बन रहा है हमारा लाचा पराठा। ये किसका होता है, मैदे का या आटे का? मैदे का लाचा पराठा है। और देख सकते हैं कि कितना फास्ट सर्विस है इनका। ये देखिए गाइस, ये बन रहा है लाचा पराठा, और देख रहे कितना सारा डो यहाँ रखा हुआ है। तो ये लाचा पराठा यहाँ रेडी हो रहा है, और फिर इसको तो गाइस ये देखो, ये बन रहा है यहाँ पे बड़े से तवे पे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लाचा पराठा। वाओ, बहुत ज़्यादा देखने में क्रिस्पी और खूबसूरत लग रहा है ये। तो चलिए, यहाँ की ऑनर है, एक बार इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। और ये दुकान कब, कितनी पुरानी दुकान है? इस दुकान का तकरीबन 10 साल पार है। 10 साल पार। और अगर लोगों को यहाँ पे आना तो कैसे आएंगे लोग? ये तो ऐसे भी फेमस जगह है रांची का, मेन रोड फिराईलाल चौक। आप रांची के किसी भी कोने से किसी से भी पूछे, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? मेरे पास चिकन पराठा, चिकन बिरयानी, चिकन चावल, एग रोल, चाउमीन, हर आइटम है। एक ये दुकान है, एक बगल में दुकान है जहाँ से कस्टमर को हम लोग दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं, चिकन चिल्ली, वेज चिल्ली, हर तरह का चीज़। अच्छा, ये भी दुकान आप ही का है? बड़े भाई का है। अच्छा अच्छा। तो गाइस, मतलब यहाँ चिकन पराठा, चिकन बिरयानी, चाउमीन, मतलब चाइनीज आइटम भी यहाँ पर मिलते हैं। क्या प्राइस है यहाँ का? यहाँ का प्राइस सर बिल्कुल जेन्युइन है। यहाँ पर जो भी दुकानदार है, यहाँ पर का सबसे बड़ा खासियत ये भीड़ जमने का कारण जो है कि सबों का एक ही सिद्धांत है कि फुटपाथ पे खड़ा होकर रेस्टोरेंट का टेस्ट देंगे। अच्छा। और फुटपाथ के रेट में देंगे। अच्छा। जैसे कि मेरे पास एक चिकन दो पराठा है, एक चिकन दो पराठा, दो पराठा 70 रुपये का है। अच्छा। ओनली 70 का, जिसमें कि इतना जो सिस्टम देख रहे हैं, आदमी बैठ के खा रहा है, उसके पीछे चार लड़का लगा हुआ है ताकि बिक्री हो, तो सारा कुछ उसी में है। इसी चीज़ को कहीं रेस्टोरेंट में अगर देखा जाए तो कम से कम 150 रुपये का बिल इसमें आना चाहिए। वाकई दोस्तों, मतलब आज का वीडियो मतलब स्वादिष्ट तो है ही, साथ में साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। मतलब आप सोच सकते हैं 70 रुपीज़, ओनली 70 रुपीज़ में आपको दो लाचा पराठा और एक चिकन। चिकन का कहाँ से कैसा ही पीस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तवा में जो है उनकी मर्जी है, जो पीस चॉइस है उनको वो बोले वो उनको मिलेगा। तो मतलब चॉइस से भी आपको चाहे तो आप ले सकते हैं यहाँ का चिकन और दो लाचा पराठा। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं कि तवे पे लगातार तब से चिकन बने जा रहा है और काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। चलिए, अब हमारी बारी है टेस्ट करने की। तो एक ऑर्डर करते हैं अपना प्लेट चिकन और लाचा पराठा का, उसके बाद फिर टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। चलिए ऑर्डर करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं आप कि मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि इतना बड़ा इसका साइज़ है सर, देखिए मुझे लग रहा है कि 3 रोटी के बराबर जो है इसका एक साइज़ है एक लाचा पराठा का, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं मुझे पता है मैं खा नहीं पाऊँगा उस चीज़ का है। और बहुत क्रिस्प है ये, साथ में चिकन का पीस देखिए आप। वाओ, 70 रुपीज़ में गाइस, अनबिलीवेबल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सस्ता चिकन और पराठा, 70 रुपीज़ में दो पराठा और एक बड़ा सा पीस चिकन का।
अब क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा कंसर्न होता है कि यार जब सस्ता चीज़ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं टेस्ट में शायद कुछ कमी हो। इसके लिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है इसका। ये तोड़ा मैंने एक बाइट पराठे का, थोड़ा वॉयली है, बट अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स। चलिए चिकन, चिकन भी सॉफ्ट है, ये लगाया ग्रेवी में गाइस। गाइस काफ़ी टेस्टी है और सच बता रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहा है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ता मिल रहा है तो कोई चीज़ उसमें टेस्ट में कुछ कमी है। बहुत मैं खाना ख़त्म करता हूँ, बहुत टेस्टी खाना लगा, मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर रांची में अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो सच में आप कुछ मिस कर रहे हैं, एक बार ज़रूर आकर ट्राई करें इसको। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। रांची में आज हमारा आखिरी दिन है और अब मैं आपको मिलूँगा अपने होम टाउन में एक नए जायके के साथ, एक नए जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय।